इनकम टैक्स यकुम जुलाई से लगेगा तो वो तो फैसला पर अमल दरामद यकुम जुलाई से लगना चाहिए था, आपको पता है ना। लेकिन हम नहीं जो बात करते लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, हम जो बात अगर इंकलाब चाहती है तो उनको पंजाब के अवाम की सपोर्ट चाहिए, आमदनी और पंजाब के अवाम की सपोर्ट कब मिलेगी, कराची की तो है ऑब्वियसली है, लेकिन अगर पंजाब के अवाम इस तरफ आ जाएं कि जनाब ये जरी इनकम टैक्स लगाकर ये टैक्स की चोरी रोक कर ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर बना रहे हैं और हमारी गुर्बत खत्म कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट मिलेगी पंजाब से। भाई साहब मैं कब आएगा बात करना चाहता हूं कि डेडलाइन होनी चाहिए सिलसिले में, जब आप जरई की बात जरई इनकम टैक्स की बात करते हैं ना, 10 दिन की डेडलाइन, 10 दिन की डेडलाइन दे दें जुलाई से, और 10 दिन के अंदर जो मुतालबात आप कह रहे हैं जिन बातों पर आप यकीन भी रखते हैं, आपकी पार्टी यकीन रखती है, वो 10 दिन के मुतालबात आप सामने रख दें, 10 दिन की डेडलाइन दे दें, ओके 10 दिन में अमल दरामद ना हो तो अल्लाह हाफिज खुदा हाफिज कर देंगे राय अलग अलग। देखिए मैंने आपको पहले शुरू प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, हमारे दो सूबों में जो जंगी सूरत हाल है, बगावत की कैफियत है, वो इस बात का मुतकाजी नहीं है कि सियासी पार्टियां डेडलाइन देके अपनी बातें मनवाएं। हर मुमकिन हद तक हमें कोशिश करना चाहिए, हुकूमत को अखलाकी तौर पे प्रेशराइज करना चाहिए कि वो हमारे मुतालबात और आवाम की फलाह